डेकुपाज और डेकुपाज एक बहुत ही एंशियंट फॉर्म ऑफ आर्टवर्क है। पहले के टाइम में मैगजीन के कटआउट्स या पेपर कटआउट्स को ग्लास सरफेस में या तो फिर फर्नीचर के ऊपर लगाया जाता था और उसके बाद उसको एक बहुत ही अच्छा सा फिनिश दिया जाता था। लाइक विथ एनी आर्ट फॉर्म, दिस हैज ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम और अभी वो मैगजीन पेपर कटआउट्स हैव एक्चुअली बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्यूटिफुली क्यूरेटेड डेकुपाज नैपकिन्स या फिर A4 शीट्स या फिर राइस पेपर शीट्स। फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ दिस फॉर्म ऑफ आर्ट आई सिंपली फेल इन लव। लेकिन इसके जो इंट्रिकेसीज है उसको देख के मुझे लगा था कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे आफ्टर मेनी ट्रायल्स मैंने बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स यूज किया और उसके बाद मुझे समझ आया कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एंड इट इज इन फैक्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए आज आप सबके साथ मैं अपनी लर्निंग शेयर करूँगी और बनाऊंगी एक डेकुपाज डेकोर। Hi folks and welcome all of you back to my channel Spoons, Brushes and More। और आज हम ये MDF multipurpose stand को एक decoupage decor में transform करेंगे। तो सबसे पहले as a first step हमें इसके ऊपर एक base paint करना पड़ेगा और उसके लिए I am going to use this gesso from Itsy Bitsy। आप कोई भी जेसो यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी प्राइमर यूज कर सकते हैं व्हाइट कलर का, या फिर आपके पास अगर व्हाइट एक्रिलिक पेंट हो आप उससे भी इसका बेस कोट कर सकते हैं। जेसो काफी थिक है और इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा वाटर स्प्रे करूँगी। और अब हम इसके चारों तरफ के सरफेस में ये जेसो पेंट कर देंगे। लगभग 10 टू 15 मिनट का टाइम लगेगा और पेंट करते टाइम एक बात का ध्यान आप जरूर रखें कि कोई अनइवन सा या रफ सरफेस ना रखें, क्योंकि इसके ऊपर हमें जब डेकुपाज टिश्यूज ग्लू से चिपकाना होगा तब बबल्स आ सकते। अब जैसे कि सरफेस का पेंट पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है तो अब हम धीरे धीरे इसके ऊपर डेकुपाज नैपकिन को ग्लू से पेस्ट करें। So I am going to use this beautiful decoupage tissue from Itsy Bitsy online craft store, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये जो टिश्यूज होते हैं ये एक्चुअली 3-ply टिश्यूज होते हैं, तो हमें धीरे धीरे इसके 2-plies को रिमूव कर देना पड़ेगा जो बॉटम लेयर्स है, और हमें सिर्फ टॉप लेयर को ही अपने MDF सरफेस में पेस्ट। Now you can see after removing the 2-plies, it is a very transparent and thin layer of tissue और ये बहुत ही delicate है, तो हमको इसको बहुत ही carefully इस surface के ऊपर paste करना होगा। इस video में मैं beginners के लिए decoupage techniques दिखा रही हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा creative ना होते हुए
हम ये पूरे डेकोपैच टिश्यूज को एट वन गो पेस्ट करेंगे। मेरे अगले वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन बी मोर क्रिएटिव और पैचेस में थीम वाइज आप एक एक जगह पे ये टिश्यूज कैसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये टिश्यू पेस्ट करने के लिए हमें एक स्पेशल ग्लू की जरूरत है विच इज स्पेसिफिकली फॉर डेकोपैच, और आज मैं ये डेको मैजिक यूज करने वाली हूँ फ्रॉम इट्स अ बिट्सी क्राफ्ट स्टोर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड है मॉड पॉज, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम ये डेको मैजिक ग्लू को बहुत ही जेंटली इस सरफेस में धीरे धीरे लगाते जाएंगे। जैसे आप नेल पेंट को अप्लाई करते हैं नेल्स पे, ठीक उसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसको अप्लाई कीजिए। हमें शीट को थोड़ा सा मिडिल में से काट लेंगे ताकि हमें पेस्ट करने में आसानी हो। आप एग्जैक्ट नाप लेके भी इसको काट सकते हैं या फिर अभी रफली काट लेते हैं और उसके बाद हम इसका एग्जैक्ट साइज से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ऐसे पहले फिंगर टिप से जहां तक आपने ग्लू लगाया हुआ है वहां तक इसको फिंगर टिप से ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। और उसके बाद आप या तो एक कॉटन टॉवल से या फिर एक प्लास्टिक फाइल कवर से इसको धीरे धीरे ऐसे टैप कर दीजिए। इससे क्या होगा कि बबल्स नहीं आएंगे और स्मूथ सरफेस मिलेगा। ऐसे ही धीरे धीरे पैचेस में हम ग्लू लगाते जाएंगे और इसको पेस्ट करते जाएंगे। और लीजिए, एक साइड का पेस्टिंग इज कंप्लीटेड। अब जो एक्स्ट्रा टिश्यूज है उसको हम धीरे धीरे अपने हाथ से ही रैंडमली कट करते हैं। तो लीजिए, चारों तरफ से ही पेस्टिंग कंप्लीटेड है ना सिंपल। अब इसको सिक्योर करने के लिए हम इसके ऊपर एक और कोट ऑफ डेको मैजिक ग्लू लगाएंगे। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही जेंटली लगाएं और प्रॉपर ड्राई अप होने के बाद ही लगाएं।
एक्स्ट्रास रह गए हैं उनके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा ये ग्लू से स्टिक कर देंगे ताकि इसमें एक इम्परफेक्ट लुक आए। और लीजिए, चारों तरफ से हमने पहले टिश्यूज पेस्ट किया और उसके बाद हमने ऊपर एक टॉप कोट भी दे दिया ताकि ये टोटली सील हो जाए। अब इसको हम नेचुरली ड्राई अप होने के लिए छोड़ देंगे अबाउट से 10 to 15 minutes। एंड नाउ इट्स टाइम टू कलर द इनसाइड स्लॉट्स। और इसके लिए हम कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग कलर ले सकते हैं। यहाँ पे जितने कलर्स हैं इस टिश्यूज में से, उनमें से कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगी एक लाइट ब्राउन सा शेड, और उसके लिए मैं लिटिल बर्डी का ही चॉक पेंट यूज करूंगी। अगर आप चाहें तो कोई भी एक्रिलिक पेंट से भी कर सकते हैं, और कलर भी आप अपने पसंद का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि कॉन्ट्रास्टिंग हो और आपको अच्छा लगे। देखिए, हमने बहुत ही आसानी से ये MDF का स्टैंड बना लिया है। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि इस स्टैंड को मुझे कैसे यूज करना चाहिए, पेन स्टैंड की तरह, या फिर एक कटलरी स्टैंड की तरह, या फिर एक रिमोट स्टैंड की तरह। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड दिस बिगिनर गाइड टू डेकोपेज आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पून्स ब्रशेस एंड मोर को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और अभी जल्दी ही वापस आऊंगी विद समथिंग मोर क्रिएटिव। टिल देन टेक केयर एंड बाय।